1969 से लेकर केरला के अंदर 400 से ज्यादा पॉलिटिकल मर्डर्स हुए हैं। उसमें सीपीएम के लोग कहते हैं कि 240 से ज्यादा सीपीएम वर्कर्स को आरएसएस के लोगों ने मारा। और आपको ये भी बताता हूं, जिन सीपीएम वर्कर्स को आरएसएस के लोगों ने मारा, वो सीपीएम वर्कर्स मुसलमान नहीं थे, हिंदू थे। हिंदुओं के मर्डर में आरएसएस का नाम है, लेकिन ये लोग क्रिमिनल नहीं होते। कर्नाटका के अंदर एक एमपी है, उस एमपी ने एक लिस्ट बनाया कि कर्नाटका के अंदर 24 संघ परिवार वालों को पॉपुलर फ्रंट ने मर्डर किया। हमने पूछा वो लिस्ट दो, वो लिस्ट जाकर चेक करने में उसमें जो आदमी मरा हुआ था वो जिंदा है, बेचारा काम कर रहा है, लेकिन इनके लिस्ट में मरा हुआ है। और एक आदमी का नाम आया उसके अंदर, हरीश पुजारी का। कहने लगे हरीश पुजारी मर गया, बीजेपी के लीडर्स आके बताए पीएफआई एंगल। पता चला बहन ने ही मर्डर किया। प्रवीण पुजारी का मर्डर हुआ और बीजेपी का कार्यकर्ता, पीएफआई। पता चला हिंदू जागृति वेडी के वालों ने मर्डर किया। विनायक बालिका का मर्डर हुआ, पीएफआई। पता चला बजरंग दल के लोगों ने मर्डर किया। लंबा लिस्ट है। मुसलमानों का तो अलग है, मुसलमानों का इकबाल, अब्दुल जब्बार, सलाहुद्दीन, निजाम, शान, लंबा लिस्ट है। सारे लिस्ट में आरएसएस का इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन इसको कोई भी क्रिमिनल नहीं कहते। कोई मीडिया, और आप देखते भी होंगे जब हम मीडिया से पूछते हैं, बट साइलेंट। क्यों? ऊपर से ऑर्डर है, ये नहीं पूछना है। क्योंकि अगर आरएसएस के क्राइम के बारे में पूछना शुरू करेंगे, ये तार कनेक्ट होते होते होती क्रिमिनल चार्जशीट में प्राइम मिनिस्टर का नाम भी था गुजरात में। पॉपुलर फ्रंट में एक भी तड़ी पार नहीं है, याद रखिए, एक भी तड़ी पार नहीं है। हमें पता है तड़ी पार कहां पर है। तो जहां पर तड़ी पार है वो क्रिमिनल नहीं। जिनका नाम दंगों में आया, फिर गवर्नमेंट बनने के बाद उन्हें क्लीन चिट मिला, वो लोग क्रिमिनल नहीं। जिनके मेंबर्स मर्डर केसेस में इन्वॉल्व है वो क्रिमिनल नहीं। 1967 से लेकर जबलपुर में जो दंगे हुए थे, 1967 से लेकर अभी रामनवमी के जो दंगे हुए, ये सारे दंगों को आप स्टडी कीजिए, सारे दंगों में आप देखेंगे कहीं ना कहीं संघ परिवार का इन्वॉल्वमेंट है, वो लोग क्रिमिनल नहीं।